तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर क्लास नाइन्थ का साइंस है और चैप्टर नंबर है यहाँ पर दो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब क्या देखने हैं हमको, अब देखना है कोलाइड के बारे में, कोलाइड क्या होता है और कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है मिश्रण के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से या एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, एटम्स या मोलिकूल से बने होते हैं, यानी एक ही प्रकार के अणु से या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अब सवाल होता है अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ जितने भी मिश्रण हैं उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब मिश्रण बनता कैसा है, तो मिश्रण बनाने के लिए ना किसी भी दो पदार्थ को कैसे भी मिक्स कर दो मिश्रण बन जाएगा, जैसे बालू और चीनी को मिला रहे हैं, बालू और पानी को मिला रहे, चीनी और पानी को मिला रहे, ये मिश्रण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था विलयन के बारे में, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जब यहाँ पर दो प्रकार से मिश्रण बना सकते हैं, पहले केस में क्या है कि अगर हम चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी बिल्कुल ही पानी में गायब हो जाता है, यानी जिसको हम मिला रहे हैं घुला रहे हैं वो अगर नहीं दिखे तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, वैसा मिश्रण जिसको हम घुला रहे हैं अगर वो दिख रहा है तो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अगर पानी में कीचड़ मिट्टी मिला हुआ है, पानी में बालू मिला हुआ है, तो ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है जो हमने बारी बारी से पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पर निलंबन क्या होता है, तुमने निलंबन के बारे में पढ़ा है, निलंबन के बाद वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ा है, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ा है, और देन अब हमको पढ़ना है कोलाइड के बारे में, कोलाइड क्या होता है। तो निलंबन और वास्तविक विलयन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोलाइड के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन अब अगर हमको कोलाइड के बारे में समझना है ना, तो निलंबन और वास्तविक विलयन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ से कोलाइड के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो निलंबन क्या होता है, एक बात बता दो, निलंबन क्या होता है, पहले निलंबन को समझने से पहले वास्तविक विलयन को समझ लेते हैं। वास्तविक विलयन वैसा विलयन होता है ना, या वैसा विलयन, अच्छा विलयन कहते हैं कैसे पहले तो वो समझ लो ना। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है जी, विलयन जो होगा, पहले कोई भी विलयन हो, विलयन हमारा कोई भी होगा, ये हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण, क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब जितना का जितना समांगी मिश्रण है ये विलयन हो जाएगा, पहले तो समझो कितना होगा, विलयन जितना भी होगा वो समांगी मिश्रण होगा। अब सवाल उठता है क्या कोलाइड समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, विलयन तो है, ठीक है, ये कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड और निलंबन, देखो कोलाइड और निलंबन ये दोनों का दोनों विषमांगी मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के बारे में पढ़ा था हमने, अगर उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। निलंबन किसको बोलते हैं, कीचड़ युक्त जल, बालू जल और चौक जल, मतलब कीचड़ में यदि पानी में मिट्टी मिला दे रहे तो वो निलंबन बन रहा है, ठीक है। निलंबन में होता क्या है, अगर निलंबन में हम कुछ मिला रहे हैं, अगर निलंबन दे दिया है, अगर उसमें कुछ मिला हुआ है तो उसका कण तुमको दिखाई देगा, और निलंबन के कण क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, इजिली हम उसको देख पाते हैं। अगर बालू में पानी में बालू मिला दो तो बालू के कण को हम इजिली देख पाएंगे, तो ये निलंबन हो जाता है हमारा, ठीक है, निलंबन हो जाता है। वास्तविक विलयन में तुमको बिल्कुल भी कण दिखाई नहीं देने वाले, अच्छा निलंबन के जो कण है ना, निलंबन के जो कण है ना वो छन्ना पत्र को नहीं पार कर पाएगा, अगर छानेंगे तो उसमें से क्या होगा, निलंबन के कण को अलग किया जा सकता है, या अधिकतर जो पार्टिकल्स है कण है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि बालू पानी में मिला लो और एक अच्छा सा अगर तुम्हारे पास कॉटन कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उससे छानो उसको, तो सारा बालू अलग निकल के आ जाएगा और पानी अलग निकल के आ जाएगा। तो निलंबन जो विलयन होता है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जो जिसके कण, जिसके विलय कण क्या करता है, जिसके विलय कण को छान करके हम लोग अलग कर सकते हैं। निलंबन के बारे में समझ में आ गया, समझो बात को, समझने में आसानी नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, हम बोल रहे आसानी नहीं। मान लो हमारे पास ये निलंबन है, बात को समझो, ये निलंबन है, अभी पढ़ रहे हैं हम कोलाइड, ये पढ़ रहे हैं हम लोग कोलाइड, ठीक है।
और फिर हमारे पास होता है वास्तविक विलयन। कैसे समझेंगे जी, कौन सा कोलाइड, कौन सा निलंबन, कौन सा वास्तविक विलयन? बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए। निलंबन का क्या होता है, कण बहुत, ये विषमांगी मिश्रण है, देखो यहाँ से देखो ये विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड भी तुम्हारा विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, और वास्तविक विलयन तुम्हारा समांगी मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर देखो निलंबन में कण को देख सकते हैं, कोलाइड में कण को हम उच्च पावर वाले यानी कि अच्छे प्रकार का हाई पावर वाले, अगर कोई माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, तो उसकी सहायता से हम कोलाइड के कणों को देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन के कण को नहीं देखा जा सकता है, इसलिए ये जो विलयन है समांगी होता है, बाकी कोलाइड और निलंबन क्या होता है, अच्छा ये कोलाइड भी तुम्हारा समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो कोलाइड तुम्हारा समांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, और वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण है। इसका मतलब यह है कि ना ही कोलाइड के कण को देख सकते हैं हम लोग, और ना ही वास्तविक विलयन के कण को देख सकते हैं। उदाहरण बात कर लो क्या हो जाएगा, उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बालू और पानी का मिश्रण निलंबन में ले लेते हैं, बालू और पानी का मिश्रण हो जाएगा निलंबन। दूसरी ओर बात करेंगे कोलाइड में क्या आ जाएगा, कोलाइड में जैसे कि यहाँ पर देख लो कोलाइड में क्या है, दूध है और स्याही है, ये हो जाएगा तुम्हारा कोलाइड। वास्तविक विलयन में चीनी और पानी का विलयन ले सकते हैं, एल्कोहल और पानी का विलयन ले सकते हैं, एल्कोहल और पानी का विलयन ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया, बड़ा आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब निलंबन के कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली देख पाते हैं, कोलाइड के कण को नहीं देख पाएंगे और वास्तविक विलयन के कण को भी नहीं देख पाएंगे। बालू और पानी निलंबन हो गया, दूध और स्याही कोलाइड हो गया, एल्कोहल पानी चीनी पानी का विलयन वास्तविक विलयन हो गया, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो हमको यहाँ से जान लेनी है। जो निलंबन का कण होता है ना, इस तीनों विलयन में बात करेंगे, निलंबन कोलाइड और वास्तविक विलयन में सबसे बड़ा कण किसका होता है, सबसे बड़ा होता है निलंबन का कण, सबसे बड़ा कण होता है इसका, ठीक है। उससे छोटा होता है कोलाइड का कण, निलंबन से छोटा होता है, निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। और वास्तविक विलयन का कण सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर मान लो निलंबन का कण ये है तो कोलाइड का कण ये होगा और वास्तविक विलयन का कण ये होगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि तुमको दिखाई दे, वास्तविक विलयन का कण ये हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गए। देखो निलंबन को अगर हम छानेंगे, एक कॉटन साफ कपड़ा लो, निलंबन को छानो, अगर बालू पानी का तुमने मिश्रण बनाया है तो वहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, बालू को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो निलंबन में। कोलाइड में क्या ऐसा संभव है, दूध को छानो उसमें से क्या निकलेगा, कुछ निकलने वाला है दूध से, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मतलब कोलाइड को हम लोग छान करके उसके कण को अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन में भी छान के हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब समझो यहाँ से वैसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच हो, कोलाइड कहलाता है। यही तो हमने कहा कि कोलाइड का जो आकार है वो वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के बीच में होता है, और यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। ये कोलाइड के बारे में तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना जरा। अब समझो यहाँ से कोलाइड का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, ये लगभग सारे बातों के बारे में बात कर चुके हैं, और जो नहीं किया वो बता रहे। सबसे पहले तो कोलाइड होता है समांगी मिश्रण, बता दिया। कोलाइड में हम लोग उसके कणों को नहीं देख पाएंगे तो यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, कोलाइड छन्ना पत्र को पार कर जाता है। मतलब तुम कोलाइड के कण को अगर छान करके अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये छन्ना पत्र को पार कर जाएगा। दूध को छान के अलग करोगे नहीं होगा, स्याही को छान के अलग करो, जो इंक होता है ना, इंक को छान के अलग करो नहीं होगा, ठीक है। तो कोलाइड जो है वो छन्ना पत्र को पार कर जाता है इसका कण। कणों का व्यास, इसके कणों का व्यास होता है 10^-7 से 10^-2 तक इसके कणों का व्यास होता है। किसके, कोलाइड के कणों का व्यास। कोलाइड टिंडल प्रभाव को दिखाता है। टिंडल प्रभाव को दिखाने का मतलब क्या हुआ, टिंडल प्रभाव को दिखाने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से मान लो तुमने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में तुमने थोड़ा सा यहाँ पर दूध पानी का विलयन ले लिया, ठीक है।
अब इसमें तुम टॉर्च जला रहे हो, क्या कर रहे हो, टॉर्च जला रहे हो। जैसे ही टॉर्च का लाइट जाएगा ये प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, ठीक है, ये प्रकाश का मार्ग क्या होगा, दिखाई देगा। इस घटना को ये क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कोलाइड के कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जो प्रकीर्णन के कारण हमको ये जो प्रकाश की का मार्ग है, प्रकाश का जो रास्ता है वो दिखाई देगा, और इसको बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। ठीक है, वास्तविक विलयन में ये नहीं होता है, जैसा कि हम पानी चीनी का विलयन बना उसमें टॉर्च जलाओ तो पानी आर पार हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसमें ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्राउनी गति को दिखाता है। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है, देखो ब्राउनी गति का मतलब मान लो ये कोई विलयन है और विलयन का कोई विलय कण है, तो ये कण जो है ना हमेशा तेज गति के साथ इस तरह से डायरेक्शन में भागता रहता है, इस तरह से इधर उधर भागता रहता है, जिसको हम लोग ब्राउनी गति बोलते हैं। तो जो कोलाइड के कण है वो ब्राउनी गति के साथ क्या होता है, गतिशील होता है, एक दूसरे से टकराता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, बहुत से कोलाइड ऐसे भी होते हैं जो विद्युत का चालन करता है, मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलाइड से होकर विद्युत धारा का क्या होगा, चालन हो जाएगा। कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसा कि हमने बात किया बहुत सारे कोलाइड ऐसे हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे, अगर अच्छे प्रकार का माइक्रोस्कोप है उससे हम लोग उसके कणों को देख पाएंगे। कोलाइड जो विलयन होता है ना वो अर्ध पारदर्शी होता है, मतलब क्या, बहुत सारे कोलाइड तो अपारदर्शी होता है, और बहुत सारे कोलाइड ऐसा होता है कि अगर विलयन बना करके उसमें देखना चाहो तो उसके आर पार को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये तो या तो अर्ध पारदर्शी होगा या अपारदर्शी होगा। कण नीचे नहीं बढ़ते, मतलब दूध हो गया कोलाइड, ये बात तो समझ में आ गया तुमको। अब दूध को तुम बिल्कुल छोड़ दो एकदम स्थिर, ठीक है, तो क्या दूध में जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा ना, तो मतलब कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते। जबकि हम लोग देखते हैं निलंबन का कण पानी और मिट्टी का मिश्रण है, पानी बालू का मिश्रण है, उसको कुछ देर के लिए हम छोड़ते हैं तो निलंबन के कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं, और वास्तविक विलयन का कण यानी कि पानी और चीनी का जो विलयन है अगर तुम स्थिर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं चीनी वापस जो है ग्लास के नीचे बैठ जाएगा। तो ये था हमारा कोलाइड के बारे में सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।